हेलो फ्रेंड्स, आई एम रेणुका साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर इन संस्कार सिटी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ठाकुर टोला, राजनांदगांव। आज हम बीएड सेकंड सेमेस्टर से शिक्षा की समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य विषय के अंतर्गत शिक्षा में निजीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। शिक्षा में निजीकरण क्या है? निजीकरण एक विस्तृत विचार का प्रतीक है। निजीकरण का संबंध स्वतंत्र हाथों में दी गई स्वतंत्रता है। निजीकरण को दो रूपों में समझा जा सकता है, जिसमें पहला है एक ऐसी स्थिति जिसमें पहले से संचालित सार्वजनिक उपक्रमों में निजी निवेश की स्वतंत्रता प्रदान की जाए। दूसरा, निजी क्षेत्रों को अपनी क्षमता के अनुसार उपक्रम स्थापित करने की स्वतंत्रता दी जाए। निजीकरण का अर्थ, आर्थिक सुधारों के संदर्भ में निजीकरण का अर्थ है कि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों से अधिक उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए खोलना। इसी में आगे शिक्षा में निजीकरण का अर्थ देखेंगे। शिक्षा में निजीकरण एक बढ़ता हुआ और जटिल मुद्दा है। शिक्षा और निजीकरण शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्रों में प्रवेश हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। जनसाधारण को शिक्षित करने की जिम्मेदारी केवल सरकार की ही नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र में निजी एवं औद्योगिक घरानों को भी प्रवेश दिया जाना चाहिए। शिक्षा में निजीकरण की परिभाषा देखेंगे। कुमंस और हेलो डी बुल्ग के अनुसार राज्य द्वारा अपनी कुशलता, प्रबंधन प्रकारियों या उत्तरदायित्वों का निजी क्षेत्र को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया निजीकरण है। शिक्षा में निजीकरण की आवश्यकता के बारे में जानेंगे, जिसमें पहला पॉइंट है प्रतियोगितात्मक दक्षता की आवश्यकता, दूसरा जनसंख्या वृद्धि, तीसरा सरकार पर वित्तीय बोझ, चौथा शिक्षा एक आर्थिक वस्तु है, पांचवा ज्ञान के लिए तलाश, छठवां पॉइंट विद्यालय शिक्षा की तीव्र वृद्धि, सातवां पॉइंट कौशल युक्त मानव शक्ति की आवश्यकता। विस्तार से जानेंगे, जिसमें पहला प्रतियोगितात्मक दक्षता की आवश्यकता। बेहतर प्रतियोगितात्मक आर्थिक वातावरण सृजित करने के लिए निजीकरण आवश्यक है। दूसरा, जनसंख्या में वृद्धि। भारत की बढ़ती जनसंख्या की शैक्षिक आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को केवल सरकारी प्रयासों से पूरा करना संभव नहीं है। तीसरा, सरकार पर वित्तीय बोझ। भारत में उच्च शिक्षा वित्तीय दबाव में है। सरकार सोचती है कि कम से कम 6% तो खर्च किया ही जाना चाहिए। चौथा, शिक्षा एक आर्थिक वस्तु है। शिक्षा अब एक सामाजिक सेवा नहीं रह गई है। मानव संसाधन विकास के लिए शिक्षा में निवेश करना आवश्यक है। पांचवा, ज्ञान के लिए तलाश। गुणात्मक अधोसंरचना और योग्यता अध्यापक आसानी से प्राप्त करने के लिए। छठवा, विद्यालय शिक्षा की तीव्र वृद्धि। विद्यालयों की संरचना में तीव्र वृद्धि ने उच्च शिक्षा की आकांक्षा को बढ़ा दिया है। सातवां, कौशल युक्त मानव शक्ति की आवश्यकता, जिसमें निजी संस्थाओं में कौशल विकास के कोर्स तेजी से चलाने की स्वतंत्रता और सुविधा मिल जाती है। इसी में आगे शिक्षा में निजीकरण के सकारात्मक प्रभाव अथवा लाभ के बारे में जानेंगे। में पहला पॉइंट है शिक्षा के लोकव्यापीकरण में सहायक, दूसरा समाज समान अवसरों की प्राप्ति, तीसरा मानदंडों की पूर्ति, चौथा जवाबदेहता, पांचवा बेहतर परिणाम की प्राप्ति और छठवा बेहतर सुविधा। विस्तार से जानेंगे शिक्षा के लोकव्यापीकरण में सहायक। शिक्षा समाज के सभी वर्गों को सरलता एवं सुलभता के साथ प्राप्त किया जा सके। दूसरा समान अवसरों की प्राप्ति। शिक्षा के क्षेत्र में निजी संस्थानों के प्रवेश से अधिक बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त
हो रहा है। तीसरा, मानदंडों की पूर्ति। निजी संस्थानों को मान्यता प्राप्त करने हेतु राज्य एवं केंद्र सरकार के निर्धारित मानदंडों को पूरा करना होता है। चौथा, जवाबदेहता। निजीकरण में जिस व्यक्ति या समूह को जो कार्य दायित्व सौंपा जाता है उस कार्य के सफलतापूर्वक निष्पादन का दायित्व उस विशिष्ट व्यक्ति या समूह का होता है। पांचवा, बेहतर परिणाम की प्राप्ति। निजी संस्थानों में अच्छे से ज्ञात रहता है कि बिना श्रेष्ठ परिणाम दिए प्रतियोगिता में स्थान बना पाना कठिन है। छठवा पॉइंट, बेहतर सुविधा। निजी संस्थानों के द्वारा आवश्यक मानदंडों को पूरा कर विद्यार्थियों को बेहतर आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाती है जिसे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास संभव हो पाता है, जैसे प्रयोगशाला, पुस्तकालय, छात्रावास, सुविधायुक्त कक्षाएं इत्यादि। इसी में आगे शिक्षा में निजीकरण के नकारात्मक प्रभाव के बारे में जानेंगे, जिसमें पहला पॉइंट है शिक्षा का बाजारीकरण, दूसरा वर्गभेद का विकास, तीसरा महंगी शिक्षा, चौथा गरीबों की पहुंच से दूर और पांचवा आर्थिक बोझ डालना। पहला, शिक्षा का बाजारीकरण। शिक्षा का निजीकरण शिक्षा के बाजारीकरण को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि जहां बाजार का उल्लेख होता है वहां ही उत्पादक एवं उपभोक्ता तथा क्रेता एवं विक्रेता जैसे लोग सक्रिय हो जाते हैं। दूसरा, वर्ग भेद का विकास। निजी संस्थानों में केवल उच्च वर्ग के लोग ही प्रवेश पाते हैं तथा वे अपने आप को और उच्च वर्ग की ओर ले जाने में सफल होते हैं। तीसरा, महंगी शिक्षा। शिक्षा के निजीकरण के कारण शिक्षा के प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा की लागत में वृद्धि आ गई है। चौथा पॉइंट, गरीबों की पहुंच से दूर। शिक्षा का निजीकरण धीरे धीरे शिक्षा को गरीब व्यक्तियों की पहुंच से दूर करने का प्रयास है। पांचवा पॉइंट, आर्थिक बोझ डाला। मध्यम वर्गीय परिवार वालों को लगता है कि बच्चे निजी संस्थानों में अध्ययन करके ही आगे बढ़ सकते हैं, ऐसी मानसिकता परिवार पर आर्थिक बोझ डाल रही है। आगे हम शिक्षा में निजीकरण को प्रभावी बनाने हेतु उपाय के बारे में जानेंगे, जिसमें पहला है शिक्षा के बाजारीकरण पर रोक लगाई जाए, दूसरा शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क पर नियंत्रण स्थापित किया जाना चाहिए, तीसरा शासन के मानदंडों का कठोरता से पालन किया जाना चाहिए, चौथा जनभागीदारी समितियों का गठन एवं अनेकों सक्रिय भूमिका प्रदान की जानी चाहिए। पांचवा पॉइंट, शिक्षण को समाज सेवा अथवा धर्मार्थ कार्य के रूप में किया जाना चाहिए। छठवा पॉइंट, निजी शिक्षण संस्थाओं के द्वारा योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। सातवा पॉइंट, सस्ती शिक्षा और अच्छी शिक्षा उपलब्ध करवाने का प्रयास करना चाहिए। अंत में हम कह सकते हैं कि शिक्षा को न्यायपूर्ण एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने में निजी एवं सार्वजनिक दोनों का बराबर योगदान होना चाहिए, तभी भारत का आवश्यकता अनुरूप विकास संभव हो पाएगा। एन वेणु कहते हैं कि दोनों व्यवस्थाओं सार्वजनिक और निजी शिक्षण संस्थाओं का समानांतर संचालन किया जाना चाहिए। धन्यवाद स्टूडेंट, आज की क्लास बस यहीं तक।